हम आपको इस बुक का सबसे पहला भजन सुनाते हैं। ये इधर लिखा हुआ घर जाके देख लेना। पहले भजन को हम गा रहे हैं और ये भजन आपको बताएगा कि देखो किस नाम से मुक्ति है। शब्द हमारा हम शब्द के शब्द ब्रह्म का कूप जो चाहे दीदार को तो परख शब्द का रूप शब्दों मारा गिर पड़ा तो शब्दों छोड़िया राज जिन जिन शब्द विवेकिया उनका सर गया काज शब्द योड़े शब्द बिछावे मिस दिन रहे शब्द के घर में शब्द ही गुरु हमारे शब्द ही शब्द बखाना संतो सत शब्द नहीं जाना रे सार शब्द नहीं जाना रे शब्द ही शब्द बखाना संतो बता रहे हैं। पहले शब्द कहां से आया उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मंत्र पहले कहां से आए दुनिया में ध्यान दे के सुनना। प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से पांच शब्द उचारा रे पांचों शब्द उचारा सोहम शक्ति निरंजन कहिए सोहम शक्ति निरंजन कहिए ओमकार रंकारा रे ओमकार शब्द ही शब्द बखाना संतो शब्द ही शब्द बखाना रे सार शब्द नहीं जाना तुमने सार शब्द नहीं जाना तुमने निज नाम नहीं जाना रे शब्द ही शब्द बखाना संतो पांच तत्व पच्चीस प्रकृति तीनों गुणे उपजाया रे तीनों गुणे उपजाया लोक वेद और चारों खानी मिलके लोक वेद और चारों खानी मिलके चौरासी लक्ष बनाया रे चौरासी लक्ष बनाया रे शब्द ही शब्द बखाना संतो सार शब्द नहीं जाना रे
शब्द ही शब्द बखाना संतो। पहले पांच शब्द की उत्पत्ति हुई अक्षर नाम से। प्रथम अक्षर पुरुष से पांच शब्द उच्चारा सोहम शक्ति निरंजन कहिए ओमकार ररंकार। ओम ररंकार सोम और शक्ति निरंजन ये पांच शब्द के उपदेश सबसे पहले प्रकट हुए। याद रखना पहला ओम सोहम शक्ति निरंजन ररंकार राम राम। ध्यान देना अमर लोक से ये नाम नहीं आए अक्षर ब्रह्म ने उत्पन्न किए। किसने किए हाँ याद रखना ये मेन चीज है। अमर लोक से ये नाम नहीं आए हो प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से पांचों शब्द उचारा रे पांचों शब्द उचारा सोहम शक्ति निरंजन कहिए सोहम शक्ति निरंजन कहिए ओंकार ररंकारा रे ओंकार ररंकारा रे शब्द ही शब्द बखाना संतो शब्द ही शब्द बखाना रे सार शब्द नहीं जाना संतो। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द इनसे अलग है बस जाना नहीं सतगुरु बिना कौन बतावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये पांचों नाम आपने जाने पांचों गुरु के द्वारा पर सत शब्द नहीं जाना वो अलग है जुदा है। पर इन नामों से क्या हुआ संसार के अंदर पांच तत्व पचीस प्रकृति तीनों गुणे उपजाया रे पांच तत्व पचीस प्रकृति तीनों गुणे उपजाया रे लोक वेद और चारों खानी लोक वेद और चारों खानी चौरासी लक्ष्य बनाया रे चौरासी लक्ष्य बनाया शब्द ही शब्द बखाना संतो शब्द ही शब्द बखाना रे शब्द ही शब्द बखाना संतो। इस नाम से इनकी उत्पत्ति हुई पांचों तत्व की उत्पत्ति ओमकार से हुई। अब देखिए धरती पानी हवा सूरज आकाश ये पांचों किससे बने ओमकार से बने यही गीता में लिखा हुआ और यही सतगुरु बयान कर रहे हैं। पांच तत्व पच्चीस प्रकृति पांच तत्व पच्चीस प्रकृति तीनों गुणे उपजाया रे तीनों गुणे उप लोग वेद और चारों खानी लोग वेद और चारों खानी चौरासी लक्ष्य बनाया रे चौरासी लक्ष्य बनाया रे शब्द ही शब्द बखाना संतो शब्द ही शब्द बखाना रे शब्द ही शब्द बखाना संतो।
84 लाख यूनी और लोक वेद व्यवहार तीनों गुण के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ओमकार से उत्पन्न हुए, इसलिए साहब समझाते अमर लोक हमारा न्यारा है और हमारा नाम भी न्यारा है। ये तो व्यवहार की बातें हैं, इसमें रोज जन्मना और मरना है, इसमें सुख दुख है, इसमें स्वर्ग नरक है। मेरा नाम न स्वर्ग में है ना नरक में, मैं आत्मबोध करा करके सदा के लिए अमर कर देता हूँ। चारों वेद की शिक्षा से पूरा जगत चल रहा है और उसमें भी जो समझदार है वो, और जिनको तो भक्ति का ज्ञान ही नहीं है तो चारों वेदों का नाम ही याद नहीं है। चारों वेदों की शिक्षा ओमकार से है और ओमकार बाद में बना, सबसे पहले सत था, फिर सोम हुआ, सोम से ओम हुआ, इस तरह से संसार में जीव आए। अब जीव फंस गया माया में, निकाले कौन, कभी स्वर्ग में चला जाए कभी नरक में चला जाए। हम कड़ी नंबर 3 को उठा रहे हैं, आप ध्यान से सुनना कबीर साहब क्या कह रहे। प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के, प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के, बैठे मुंदी द्वारा रे, बैठे मुंदे द्वारा रे, शब्द ही सरगुण शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद पुकारा रे, शब्द ही वेद पुकारा रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे। प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के, कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि पुरुष का प्रभाव मिट गया, सतपुरुष की भक्ति संसार में लोग भूल गए, सत्य आराधना भूल गए, और निरंजन क्या किया, आंखों में बैठ गया। प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के बैठे मुंदे द्वारा, शब्द ही सरगुण निर्गुण कहिए, शब्द ही वेद पुकारा, जो शब्द पुकार किए वेद ने और निर्गुण सरगुण जो शब्द पुकारे हैं वेद ने, मेरा शब्द उससे भी आगे है क्योंकि ये सुखी दुखी करने वाला शब्द है। और जो पुरुष का प्रकाश मेट कर आप निरंजन करता धरता बनकर बैठ गए, बड़े दुख की बात यही है, इसलिए संसार सत्य से अवगत नहीं है। इसलिए जो साच पर चले वो दुखी रहता है, जो झूठ पर चले वो सुखी रहता है। शब्द ही पुरुष अखे के भीतर, शब्द ही पुरुष अखे के भीतर, बैठ करे अस्ताना रे, ओ बैठ करे अस्ताना रे, ज्ञानी पंडित योगी कवि सब, ज्ञानी पंडित योगी कवि, ए तो शब्द में अकल अड़ो जाना रे, शब्दों में अकल अड़ो जाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, सार शब्द नहीं जाना रे, सार शब्द नहीं जाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो। क्या समझा रहे, योगी यति तपस्वी
और बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग सब ओमकार में अड़ूज गए। ना उनको सोमकार का पता चला, ना सत सतनाम का पता चला। शब्दों में अकल अड़ूज गई। जहां से पांच नाम आए थे वो अक्षर पुरुष था, और जहां अक्षर पुरुष जहां से आया था उसकी खोज नहीं की, तो सतलोक की खोज नहीं की दुनिया ने, इसलिए दुनिया अड़सती गई। क्या कह रहे हैं? शब्दी पुरुष अखे के भीतर बैठ करे अस्थाना। जो अखे पुरुष है, अविनाशी पुरुष है, अमर पुरुष है, वहां पर भी शब्द से ही पहुंचा जाता है, और काल के देश में भी शब्द से ही जाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई भी गाड़ी में बैठो, गाड़ी में गांव का नाम एक शब्द है, और वो जैसे अजमेर लिखा है तो वो गाड़ी अजमेर ले जाएगी, जैसे बिलाड़ा लिखा है तो बिलाड़ा ले जाएगी, सोजत रोड लिखा है तो सोजत रोड ले जाएगी। इसी तरह से जैसा शब्द रटोगे उस देश में जाओगे। ये भूल है कि हम कोई भी नाम जपे और हम मुक्त हो जाएं, ये भूल है। नहीं, हम कोई भी बीज बोए तो किसान कोई भी बीज बोए तो उसके घर में मक्की थोड़ी आएगी, तो मक्की बोएगा तभी मक्की आएगी। इसलिए ये भरम दिमाग से निकाल देना। कहीं सत्संग सुनो, महात्मा लोग गवा गब रहते हैं, और वो भी कह देते कोई भी नाम जपो सब भगवान का एक ही नाम है। वो कहते हैं कि संसार को एक करने के लिए, भाई संसार लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उसको एक करना है। पर शब्द ही शब्द का काम करेगा। सभी दवाई एक नहीं होती, सबके लिए इलाज एक जैसा नहीं होता। इसलिए ये हमेशा भ्रम से दूर रहना। आपके घर में जाके कहोगे कि सब इधर आओ तो एक आएगा कि सब आएगा? आपको काम तो एक से था और बोल दिया सब इधर आओ, तो ऐसे ही झंझट हो जाएगा। इसलिए सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका केणा नाम रे। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लेना सबका कहना नाम रे। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका कहिए नाम रे। ओ कहे कबीर सा सुनो भई साधो, रहना अपने ठाम रे, रहना अपने ठाम रे। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका कहिए नाम रे। कहे कबीर सा सुनो भाई साधो, रहना अपने ठाम रे। कबीर साहब कहते बोलने में तुम सब नाम बोलो, पर सब नाम रटना नहीं है, जो गुरु महाराज नाम देंगे वही रटना है। यही समझदारी है। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका कहिए नाम, और हांजी हांजी करते रहिए और रहिए अपने ठाम। सबका नाम बोल सकते हो पर जप नहीं सकते। क्यों? सबको पति नहीं बना सकते, पति एक ही रहेगा, पर सेवा सबकी कर सकते हैं। बोलो सदगुरुदेव। यही नियम है, यही नियम है। अगर इस नियम को स्त्री भूल गई तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सभी नाम बोलना, सभी नाम मुख से बोलना। राम नाम भी आप बोल सकते, हरि नाम भी बोल सकते, पर गुरु मंत्र नहीं छोड़ना। गुरु मंत्र अगर भूल गए तो ये नाम ऊपर के काम करने वाले, याद रखना मैं क्या बोला हूँ।
हाँ जी करते रहना पर रहना अपने ठाम रे, रहना अपने ठाम रे। कोई आपको काम बढ़ावे तो हाँ जी करना, क्या करना, नाजी नहीं करना। हाँ जी, अभी मैं पहले अमृतसर गया था, उधर हिमाचल प्रदेश से होते हुए, तो वहाँ कोई भी फोन आता है तो अपनी भाषा में बात करते, तो कोई बात सुनाते तो कहते हाँ जी। हाँ जी का मतलब क्या हुआ? हाँ नहीं हुआ। हाँ जी का मतलब और कहो। हाँ जी का मतलब और सुनाओ। करेंगे क्या? जो हमारे दिल में जचेगा वही हम करेंगे, परंतु हाँ जी तो करेंगे। हाँ जी करते रहना अपने ठाम, अपने गुरु गम में रहना, गुरु शब्द में रहना तो मुक्ति होगी, और हाँ जी दुनिया के साथ करते रहना तो व्यवहार सही रहेगा तो दुनिया भी चेतेगी और तू भी चेतन होकर लग जाएगा। व्यवहार भी मत बिगाड़ना और शब्द भी मत छोड़ना, दोनों काम करना। अब कबीर साहब ने कहा, प्रथम पुरुष प्रकाश मेट के बैठे मुंदे द्वारा, ये कबीर साहब का ध्यान दो, ज्यादा लंबी लाइन नहीं है, बिल्कुल ही एक लाइन में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी श्रुति चूक गई तो समझ नहीं पाएगी। ये काम किसने किया? कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि अलक निरंजन जो है उसने एक काम किया, मैंने अमर लोक से उनको जीव दिए थे तो ये भव सागर में ला करके और माँ के गर्भ में 9 महीने से जीव को पैदा किया और ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा कराया, और जब जीव जन्म लिया तो उसका 10वां द्वार बंद कर दिया। ध्यान दो, मैं कोई फिजूल की बात नहीं कर रहा हूं, आपके शरीर में 9 द्वार खुले हैं, 2 नीचे गंदे द्वार तो और बाकी के 7 ऊपर है। ये 9वीं द्वार खुले हैं कि नहीं? खुले। और 10वां द्वार ऊपर है कि नहीं? वो बंद क्यों है? यही समझ लो कबीर साहब की बात, काल भगवान ने तुम्हें संसार में मुक्ति का द्वार बंद करके भेजा। क्या भेजा? हाँ, जब तक 10वें द्वार से श्रुति नहीं निकलेगी तब तक ये जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता। अब बताओ, भगवान बड़ा हुआ कि गुरु बड़ा हुआ? अब गुरु आपको 10वें द्वार से निकालेगा, और भगवान ने तो आपको माँ के गर्भ से निकाल दिया। माँ के गर्भ से तो निकाल दिया पर द्वार 10वां बंद कर दिया। अब 10वां द्वार से मुक्ति होती है वो सतगुरु बिना खुलता नहीं, और 11वीं खिड़की नहीं खुलती है तो खिड़की हटती नहीं। जो खिड़की लगी है तो खिड़की कैसे खुलेगी? फिड़कली, मारवाड़ी में कहें फिड़कली खोल जा रहे जन, खिड़की खुली। अरे ताला को फिड़की बोलते हैं, जो वो लकड़ी की खिड़की होती है। तो खिड़की पर लगी खिड़की तो खिड़की खुले नहीं, तो हंस आगे बढ़े नहीं। सतगुरु वह खिड़की खोलने का तरीका देंगे तो खिड़की खुलेगी नाम से, और नाम जो है 10वें द्वार से बाहर प्राप्त हो जाएगा, और सतगुरु अंग संग साथ रह करके अपने देश को आत्मा को ले जाएंगे और काल से छुड़ाएंगे। काल कौन हुआ? आंखों के नीचे नीचे जो मन भटकता है वो काल है। आंखों के नीचे नीचे जो मन भटकता है वो काल है। विषयों में प्रेरित करने वाला मन काल है। जो ब्रह्मांड में चढ़ता है वो निज मन है, अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो? आपकी आत्मा के हित की बात करता है।
तो अक्षर ब्रह्म से आगे सत ब्रह्म में मिलना है, सत पुरुष में मिलना है। पर इस अक्षर ब्रह्म ने क्या किया कि निरंजन को राज होने से ये ऊपर बैठकर दसवां द्वार निरंजन के द्वारा बंद करा दिया गया। अब जीव संसार में फंस गए, इसलिए मरते समय कहते हैं कि हमें तो परमात्मा का नाम याद ही नहीं आता। आता है तो दूसरा ही नाम याद आवे, आल जंजाल आवे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे खुद की शरीर की जो दादी थी, तो जब बीमार थी तो वो मुझे कहती थी, रात में कहती थी कि बेटा दिन हो गया। क्या कहती थी? हाँ, ध्यान धरना हो, भजन बिना ऐसा ही काम है। भजन बिना ऐसा चक्कर आएगा कि दिन में तारे दिखेंगे। हाँ, तो भजन करो, नहीं तो ये काल आपको घुमाएगा और ऐसी चक्री में चढ़ाएगा, वहां पर बुद्धि सब खत्म हो जाएगी। याद रखना मेरी बात को, किताबों का ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो अनुभव लेके जाओगे वही तुम्हारी सहायता करेगा। किताबें तो यहीं छूट जाएगी, और जो अनुभव लेकर के चढ़ोगे तो काल से युद्ध होगा, और काल से युद्ध होगा तो सदगुरु साथ में रहेंगे तो जीत जाओगे। एक दिन हंसा रहन पड़ेगी, मुड़ सुझेगा नहीं। हे हंस, एक दिन रहन पड़ेगी, मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि तू एक सेकंड में हजारों जीव मारने वाला जीव है। इसलिए एक दिन काल तुम्हारे छाती पर बैठेगा और ब्याज मांगेगा और इस देश का किराया मांगेगा। उस दिन भाई गणित कोई काम आने वाले नहीं है, सतगुरु बिना तू छूटने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान समझ विवेक से आप भक्ति करना और काल के कर्ज को उतार देना, माता पिता के फर्ज को उतार देना। ये फर्ज इधर ही उतार देना और भक्ति करना, चलते फिरते नाम जपना और बैठकर सुमिरन भजन जितना बड़ा हुए उतना करना। पर करना किसका? कि इन पांच नावों से ऊपर जो नियक्षर पुरुष है, सतपुरुष है, उसकी भक्ति करना। आपको कोई बताए ना बताए, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे गुरु मानते होंगे, संत मानते होंगे, इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ। शब्द पुरुष अखे के भीतर बैठ करे अस्थाना। अखे पुरुष के भीतर से, अखे कमल के भीतर से एक शब्द बोल रहा है, उसको श्रुति से सुने बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानी पंडित योगी कवि यहाँ अक्षर शब्द में अड़ जाना। गीता रामायण भागवत अक्षर में लिखी गई है, ये वाणियां सब अक्षर में लिखी गई है। जो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ तो पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम जगाओ, प्रेम जगाओगे तो सब पंडित हो, और प्रेम नहीं है तो फिर मामला मुश्किल है। तो क्या कहते हैं कि आप शब्द जगाओ और पोथी में अड़ू जो मत, अक्षर में अड़ू जो मत, और नी अक्षर चीनो। आगे कहते हैं पांचो शब्द पांचो है मुद्रा। ये क्या है मुद्रा? मुद्रा का मतलब समझे आप? देखो यू मुद्रा, ये भी एक मुद्रा है। मुद्रा मतलब किस तरह से बैठा जाता है, ध्यान देना। जो रोते हैं तो यू मुद्रा करते कि नहीं? ये मुद्रा भाई, कोई हार जाता है तो कहाँ हाथ जाता है? हाँ, सिर में हाथ जाता है। ये कैसी मुद्रा? हार की मुद्रा, जीत की मुद्रा। अब देखो, किसी को धन मिल जाए तो उसकी अलग मुद्रा, किसी का धन चला जाए तो पांच मुख्य मुद्रा है। कितनी? किसने शादी, हम उसका नाम बताते हैं। इस संसार में पांच तरह के नाम है, पांच तरह की मुद्रा है। जिन जिन्होंने शादी है साधना के साथ, उनको इष्ट लोक की प्राप्ति हुई और वो इष्ट लोक में जाकर के अड़ुज गए। परंतु सतगुरु तो अपना नाम संसार में अलग बताए, जो पांचों मुद्रा में अड़ुज गया वो अमर लोक में नहीं गया। तो आप पांचों मुद्राओं को
समझ लेंगे। पांच शब्द अरे पांचो मुद्रा, पांच शब्द अरे पांचो मुद्रा। देखिए ध्यान लगा के सुनेंगे तो ये शब्द समझ में आएगा। पांच शब्द अरे पांचो ही मुद्रा, पांच शब्द अरे पांचो ही मुद्रा। थारी काया के बीच में ठिकाना रे तो काया बीच ठीक। षट दर्शन छियानवे पाखंड, षट दर्शन और छियानवे पाखंड। शब्द माही अड़ो जाना रे तो शब्द माही अड़ो जाना रे। शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे। सार शब्द नहीं जाना संतो, सद्गुरु महाराज की। ध्यान दीजिए, हम पांच मुद्रा बताने के बाद भजन पूरा करने वाले हैं, यही समझने के लिए आपको रोक रहे हैं। पहली मुद्रा निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा, निरंजन शब्द चाचरी है। नैनों के माइयो है, नैनों के। ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा। हो निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा, निरंजन शब्द चाचरी है। नैनन के माई हो के। ताको जाने है गोरख योगी, ताको जाने गोरख। महातेज तही माही हो, महातेज तही माही हो। शब्द शब्द बखाना संतो, सार शब्द नहीं जाना रे तो, सार शब्द नहीं। शब्द ही शब्द बखाना संतो, यानी ये जो निरंजन और अलख नाम की जो मुद्रा है, और सबसे पहली मुद्रा का नाम है चाचरी। क्या नाम है? हाँ, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये हम आपको बिल्कुल याद करा देंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की। कहाँ ये मुद्रा? अलग निरंजन। आपने सुना होगा बाबा लोग बोलते हैं, अलग निरंजन सब दुख भंजन। कानों में मुद्रा पैरी हुई, ये शब्द कहां से आया? ये शब्द पांचों शब्द में प्रकट हुआ था। इस शब्द से, अलक निरंजन शब्द से साधना करने वाले योगी गोरखनाथ जी ने कई राजा महाराजाओं को चेताया था, और इनके तेज और प्रभाव में आकर गोरखनाथ जी ने मरे हुए लोगों को जीवित कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, याद रखना, झूठ बात नहीं है। मरे हुए जीवों को जीवित कर दिया, कई सेनाओं को जीवित कर दिया, और चाहे तो मनुष्य बना देते थे, मिट्टी का पुतला बनाकर आदमी बना देते थे। ऐसी विद्या थी। अभी वो विद्या गुप्त हो गई है भारत से। तो अलख निरंजन की जो चाचरी मुद्रा है,
जिसे गोरखनाथ जी ने अपना तेज प्रकट किया। आगे हम दूसरी मुद्रा की बात करने जा रहे हैं। ओम काहर है बूचरी मुद्रा, ओम काहर है बूचरी मुद्रा, त्रिकुटी अस्ताना हो, त्रिकुटी अस्ताना। याद तो रखना आप, गोरखनाथ जी की मुद्रा कहाँ थी? नैनों में। कहाँ थी? हाँ, अब ओमकार कहाँ आ रही है? प्रकुटी में, त्रिकुटी प्रकुटी। याद रखना, स्थान बिना जाओगे कहाँ? शब्द का अपना अपना स्थान है, इसीलिए कहते हैं कि एक नाम की साधना होगी सबकी नहीं होगी। याद रखो आप मेरी बात को, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। ओमकार शब्द जपोगे तो यहाँ पहुँचोगे, ओमकार का यहाँ खजाना है। और निरंजन शब्द से आँखों में उसका खजाना है। स्थान बिना जाओगे कहाँ, याद रखना, हम आगे बता रहे हैं। ओम काहर है बूचरी मुद्रा, ओम काहर है बूचरी मुद्रा, त्रिकुटी अस्ताना रे, त्रिकुटी अस्ताना। व्यास मुनि ते ही पहचाना, व्यास मुनि ते ही पहचाना, चांद सूरज वो जाना रे, चांद सूरज वो जाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे, सार शब्द नहीं जाना संतो, सार शब्द नहीं जाना संतो, निज नाम नहीं जाना रे तो, निज नाम नहीं, शब्द ही शब्द बखाना संतो। बोलो सदगुरु महाराज की। दूसरी मुद्रा त्रिकुटी में उसका शब्द क्या है? ओम। क्या है? और वो कहाँ स्थान है? वाह भाई वाह, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, याद हो गया। और गोरखनाथ जी जो शब्द रटते थे उसका उसका स्थान कहाँ था? आँखों में। याद रखना, नहीं तो सार शब्द का पता नहीं चलेगा। और ओमकार से जिसने ज्यादा सफलता प्राप्त करी वो ऋषि थे, उनका नाम है व्यास मुनि। जो व्यास देव जी महाराज थे वो ओमकार की सत्ता से संजय को उपदेश किया तो महाभारत घर में दिखाया। कहीं भी तीन लोग में कोई चीज होती थी तो वहां उनको दिखाई, त्रिकुटी में पड़ती थी। पर एक बात हमेशा याद रखना कि संजय को अमर लोग दिखाई नहीं दिया। तीन लोग में जो होता था वो जान जाता था, मन में जो होता था वो भी जान जाता था, और कौन जीतेगा वो भी जान जाता था, परंतु वो अमर लोक में नहीं जा सका। ओमकार की शक्ति उतनी नहीं कि जीव अमर हो सके, क्योंकि ओमकार के द्वारा संसार का जन्म मृत्यु चक्र चलता है। क्या चलता है? जन्म मृत्यु चक्र चलता है। ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और महादेव जी संहार करते हैं। ये तीनों देवता इस तरह से ओमकार में आदिशक्ति देवी दुर्गा और निरंजन के अधीन हुए हैं, तो इनको कार्य करना पड़ता है। आगे हम चलते हैं आपको लेके सोहमकार के अनुभव में।
सोहमकार है शब्द अगोचरी मुद्रा, सोहमकार शब्द अगोचरी मुद्रा, गौर गुफा के माहिरे गौर गुफा अस्ताना रे, ओ तहां में झिल मिल जोत खावे, सोमकार है अगोचरी मुद्रा बौर गुफा अस्ताना रे, बौर गुफा अस्ताना, सुखदेव मुनि ताई पहचाना, सुखदेव मुनि ताई पहचाना, सुन अनहद दुन काना रे, वो तो सुन अनहद दुन काना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द सोहम की मुद्रा जिसको साधने वाले सुखदेव जी महाराज, और वो सोहमकार का शब्द का स्थान क्या है, भवर गुफा, कौन सा स्थान भवर गुफा कहाँ है बताओ है? अरे ये कान है जो कोई भवर गुफा है, क्या है तो फिर कोई भौर गुफा कोई दूसरी गुफा नहीं है, ये आपके कान है वही भौर गुफा, इसमें जो धुन आती है उसको सुन करके सुखदेव मुनि जी ने माला फेरी, तो वो कहाँ रहे अनहद की धुन में मस्त हो गए, ध्यान लगा समाधि में चले गए, पर उस साधना से वो काल के अंदर ही रहे बाहर नहीं जा सकते। आगे हम सुनाते हैं आपको शब्द सोहम की मुद्रा कौन सी है, अगोचरी, और स्थान है भौर गुफा और सुखदेव मुनि है उनके चाननहार। अब चलते हैं राम नाम रंकार क्या है, खूब लोग राम 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 कर रहे हैं ना, सुरत को चढ़ा रहे, उसके बारे में बताए कबीर साहब, कबीर साहब क्या फरमाते ध्यान दे के सुनना, यहाँ कोई पक्ष नहीं है, सबके उपदेश खुल रहे, क्या खुल रहे उपदेश, ध्यान देना उपदेश खुल रहे, हो रंकार है खेचरी मुद्रा, रंकार है खेचरी मुद्रा, दसवें द्वार में ठिकाना है जिनका, दसवें द्वार ठिकाना है, ब्रह्मा विष्णु मैसर देवा, ब्रह्मा विष्णु मैसर देवा, ए तो राम नाम पहचाना है, रंकार पहचाना है, शब्द ही शब्द बखाना संतो, शब्द ही शब्द बखाना रे, सार शब्द नहीं जाना संतो, सार शब्द नहीं जाना संतो वे, सार शब्द नहीं जाना रे तो सार शब्द नहीं, शब्द ही शब्द बखाना संतो, सतगुरु दयाल की,
अब आखिरी नाम सुन लो। दसवां द्वार में आपको जो खींचकर नाम ले जा रहा है वो मंत्र है राम राम। क्या है? ध्यान दीजिए, ये चार प्रकार के हैं। कितने? पहला राजा राम जो दशरथ के पुत्र हुए, वो तो आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे। दूसरा निराकार निरंजन जो आपका मन ही है, उसे मनी राम कहते हैं। तीसरा जो है वो आदिशक्ति देवी दुर्गा, जिस बिंदु से संसार की रचना की वो बिंदु राम। तीसरा, चौथा जो निरंजन निराकार जीव आत्मा जो है वो चौथा हुआ, चेतन राम। पहला सरगुण राम, दूसरा मनी राम निराकार राम, और तीसरा माया बिंदु राम, और चौथा हुआ आत्म राम। क्या हुआ? याद रखना, चार राम है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो शिव जी को प्राप्त हुआ। किसको? और वो मुख से नहीं, जिन जब उन्होंने योग किया तो दसवें द्वार में उनको रणकार की ध्वनि सुनाई दी, राम 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 राम, रणकार में, दसवां द्वार में। कहा? इसका ठिकाना दसवां द्वार है। याद नहीं रहे तो समझ लो भाइयों की चोटी में। ये जो हम चोटी रखते नहीं भाई बहन, वो चोटी में समझ लें, ये राम नाम आपको चोटी में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? हाँ, फालतू खोटी नहीं होना। तो ये मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूं। तो ये जो चोटी है भूत के, जिसको भूत लगा हुआ है और उसकी पकड़ लो तो वो साँच बोलने लग जाता है। तो ये जो चोटी है वास्तव में, देखिए सुनिए, तो राम नाम बसा हुआ चोटी में। कहा? निरंजन बसा हुआ नैनों में, और सोहम बसा हुआ है बावर गुफा में, और ओम बसा हुआ है टीकी टपका में। जहाँ टीकी लगाते हो वहां ओम बसा हुआ। याद हो गया कि और कुछ याद करना? और सुन लो, सबसे पहले आपको बताया था निरंजन। निरंजन कहाँ बसा हुआ है? नैनों में। भाई भागने वाला मन ही निरंजन है। आप आंखें खोलोगे तो मन दौड़ेगा, आंखें नहीं खोलोगे तो मन नहीं दौड़ेगा। याद रखना, निरंजन कहाँ है? नैनों में। और ओमकार कहाँ है? टिकी टपका में। टिकी लगाओ ना, याद रखो, यहाँ पे ओमकार की सत्ता है। और राम नाम कहाँ है? चोटी में, दसवां द्वार में। और सोहमकार कहाँ है? कानों में। याद रह गया? फिर याद रहना, गोट लेना इसको। ये साधना है। क्या है? साधना है जो संत लोग महाराज लोग कर रहे हैं। इनके आगे सत शब्द है। क्या है? अमर लोक का नाम है। उस नाम को प्राप्त करना है, बच्चों का खेल नहीं है, मजाक नहीं है। उस नाम को प्राप्त करना है। सदगुरु कबीर साहब उस नाम की बात कर रहे हैं जो पांचों नामों से ऊपर है। ये नाम तो इनको प्राप्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश को राम नाम प्राप्त है, और सुखदेव जी महाराज को सोमकार प्राप्त है, और व्यास देव जी को ओमकार प्राप्त है। और इस तरह से ओमकार से आगे सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, इस तरह से निरंजन नाम गोरखनाथ जी को प्राप्त है। ये देखिए सतगुरु कहते हैं कि मेरा नाम इनसे भी आगे है। क्या कहते हैं? इनसे भी आगे है। ध्यान लगा के सुनना, अब तो शब्द पूरा होने वाला है और आज का सत्संग भी अब समाप्त होने वाला है। आगे जो साहिब की दया होगी तो आगे बताएंगे। शब्द शक्ति है उन्हें मुनि मुद्रा, We'll be right back.
शब्द शक्ति है उन मुनि मुद्रा, शब्द शक्ति है उन मुनि मुद्रा, है आकाश के माही रे, हे आकाश के माही रे, तामे झिलमिल ज्योत दिखावे, तामे झिलमिल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही है ये, जाने जनक विदेही है, शब्द ही शब्द बखाना संतो सार शब्द नहीं, शब्द ही शब्द बखाना संतो। अब एक शब्द आकाश के अंदर है और आप शरीर को देखना, आपका आकाश कहाँ है, ऊपर का आकाश जहाँ है, ऊपर आकाश है पर आपके कंठ में क्या है, आकाश है। अरे भाई पेट में खाली जगह है कि नहीं, ये क्या है, ये भी आकाश है। तो ये आकाश के अंदर कंठ में देवी बैठी है, कौन, आदि शक्ति दुर्गा देवी चामुंडा माता, कहाँ बैठी, कंठ में, 16 दल के कमल में बैठी है। जो कोई उसकी भक्ति करे तो उसको रानी बना दे, राजा महाराजा की तरह उनको सब सुख प्रदान कर दे, पर अमर नहीं कर सकते। ये 5 शब्द हुए और 5 ही स्थान हुए, 5 ही मुद्रा हुई। अब ये 5 ही मुद्रा में पूरा जगत भूला हुआ है, कौन भूला हुआ, पूरा संसार भूला हुआ है। तब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आगे पुरुष पूर्ण पुरातन, आगे पुरुष पूर्ण पुरातन, ए तिन की खबर नहीं जाना रे, इनकी खबर न जाना रे, 5 शब्द और 5 मुद्रा, 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया बीच ठिकाना रे, ये निश्चय कर जाना रे, ये निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पूर्ण है पुरातन, आगे पूर्ण पुरुष पुरातन, तिनकी खबर न जाना रे, तिनकी खबर न, आगे की बात इनको खबर नहीं हुई, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष पर अधर तार है, परम पुरुष पर अधर तार है, अधर तार से आगे रे जीव, अधर तार से आगे, कहीं के आगे कोई न बखाने, कहीं के आगे कोई न बखाने, शब्द में सब पागे रे, तो शब्द में सब पागे रे, शब्द ही शब्द बखाना संतो सार शब्द नहीं जाना रे, सत शब्द नहीं, शब्द शब्द बखाना संतो, हा 5 सिद्ध साध और 3 देवा, सिद्ध साधु और 3 ही देवा, शब्द में ही सब अटके रे, शब्द में सब अटके,
मुदरा साध रिया घट भीतर मुदरा साध रेवे घट भीतर फिर उंदे मुँह लटके रे फिर ओंदे मुँह लटके रे सबदरी शबद बखाना संतो चार शबद नहीं जाना रे सबदरी शबद ओ परम पुरुष से अदर है जा तालग बुझ बिना सब काला है बुझ बिना सब काला कह कबीर सा बुझ के भीतर कहे कबीर सा बुझ के भीतर बुझ हमारी माने रे बुझ हमारी माने सदगुरु मिले तब वेद बतावे सदगुरु मिले तब वेद बता पावे ठोर ठिकाना रे सही पावे ठोर ठिकाना रे सबदई शबद बखाना संतो सारे शबद नहीं जाना रे सबदई शबद बखाना संतो बोलो सदगुरु महाराज ये इस आश्रम से बुक छवि है और इसका पहला भजन है कौन सा सिर्फ पहला भजन है जिसमें आप छटपटा रहे हो घर जाने की सोच रहे हो तो ये एक ही शब्द ऐसा है जो पूरे दुनिया के ज्ञान पर हावी हो जाता है इसमें बताया कि पांचों शब्द लेकर आप गुरु बनाएंगे तो आपको मनुष्य तन मिलेगा क्या मिलेगा खर्च नहीं जाएगा आप जो दान पुण्य करोगे राम राम करोगे सोम शब्द जपोगे शक्ति शब्द जपोगे रंकार जपोगे ओमकार जपोगे और श्रीयंग श्रीयंग जपोगे तो आपको मनुष्य तन मिलेगा क्या मिलेगा और राजपाट ठाट मिलेगा फिर फंसते जाओगे फिर फंसते जाओगे परंतु जो अमरलोक का शब्द है वो सतगुरु कवि साहब लाए और वो शब्द जपने से ये जीव फिर जन्म मरण की बीमारी से सदा सदा से मुक्त हो जाता है इसलिए फिर मैं सावधान करता हूँ कि संसार में इस अमरलोक के शब्द को बताने वाले गुरु बहुत ही कम है और ओमकार बताने वाले राम नाम बताने वाले और सोमकार बताने वाले शक्ति और निरंजन नाम बताने वाले हैं परंतु जो जो नाम यहाँ से जीव आत्मा को अमर लोक ले जाए उसको बताने वाले गुरु बहुत ही कम है और लोग उसी गुरु की हंसी करते हैं जो अमर लोक की बात करता है उसकी हंसी करते हैं और जो काल फांसी देता है उसको राजी करते हैं तो ये आप ध्यान देना समझ लेना विवेक लेना और ये सदगुरु कवि साहब की भक्ति में जो जीव आए हैं उनको ही पता है कि किस नाम से अमर लोक की चढ़ाई होती है और बाकी जीवों को कोई पता नहीं है और जो रट रहे हैं आनंद तो आ ही रहा है प्रकाश भी दिख रहा है शब्द भी उठ रहा है परंतु उस अमर लोक की प्राप्ति नहीं हो रही है जहाँ मीराबाई गई जहाँ रैदास जी कमाल जी जहाँ गए और जिस देश में जिस लोक में दादू दयाल और नानक साहब गए वो देश अमर लोक है वहाँ सतगुरु कबीर साहब उनको खींच के ले गए तो जो सदगुरु की शरण में जीव आएगा वही असली परमात्मा की भक्ति समझ पाता है और वास्तविक शब्द में वो पारखू हो जाता है नहीं तो ठीक है आया राम गया राम आया राम गया राम मेरे इशारे में समझ जाना कि आया राम और हाँ
तो जब तक वो शब्द नहीं हाथ आया तब तक तो मनुष्य तन में आओगे, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और वो शब्द आपको अंदर में प्राप्त होगा। उसकी विधि आपको बताई गई है और जिनको समझ में नहीं आई वो समझ सकते हैं। बस यहीं पर आज का सत्संग स्थगित होता है। समय पूरा हुआ, सभी आप खड़े होकर आरती कर सकते हैं।